बोकारो में महानगरों की तर्ज पर रविवार को सेक्टर 4 गांधी चौक के समीप हैप्पी स्ट्रीट की लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग समारोह का उद्घाटन बोकारो के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने फीता काटकर किया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक इस सड़क पर योगा, एरोबिक, स्किपिंग, जूडो, कराटे, पेंटिंग सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। मौके पर कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी योगा सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। बोकारो के लोगों ने सुपर संडे के मॉर्निंग का भरपूर आनंद उठाया और इसे बोकारो के लोगों को चुस्त तंदुरुस्त रहने के लिए एक अच्छा प्रयास बताया। बताते चले कि ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में हर रविवार सुबह 7:30 बजे से 2 घंटे के लिए यानी सुबह 9:30 बजे तक इस सड़क को हैप्पी स्ट्रीट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। यह सुविधा हर रविवार को मिलेगी। इस अवसर पर बोकारो विधायक विरंची नारायण, BSL के निदेशक प्रभारी समेत उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी, SP बोकारो चंदन झा, BSL ED संजय कुमार समेत अन्य अधिकारी विभिन्न स्कूलों के द्वारा प्रस्तुत समूह नृत्य व विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम में हिस्सा लिए। एक्टिव बोकारो, हेल्दी बोकारो, अल्टीमेटली हैप्पी बोकारो। आज इस हैप्पी स्ट्रीट पे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। इस हैप्पीनेस को बनाए रखना है और दिन दूना 4 चौगुना बढ़ाना है। इस तरह जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक्टिव बोकारो का दर्जा पहली बार भारत में मिला, एक्टिव बोकारो हो रहा है। एक्टिव बोकारो के सीरीज़ में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसा बोकारो को ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी का दर्जा मिला है, अब ये कन्वर्ट होगा ग्लोबल एक्टिव सिटी में। दुनिया भर में बहुत कम शहर हैं जिनको ग्लोबल एक्टिव सिटी के का सर्टिफिकेशन मिला है। बोकारो इस देश का पहला है, भारतवर्ष में पहला और एक ही शहर है जिसको एक्टिव बोकारो। ये इस स्पिरिट में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आपने स्पोर्ट्स में कार्यक्रम देखे, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं। आज इस स्ट्रीट पे, सड़क पे डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि पूरे शहर के लोग, आप देख रहे हैं ये कोई BSL का ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है, इसमें बाकी शहर के सब तरीके के लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हमेशा चाहिए, हर रोज़ चाहिए, हर पल चाहिए। हमारा बोकारो ऐसे ही खुश बना रहे। हैप्पी स्ट्रीट के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बस ये मानना है कि शहर तभी हैप्पी होगा जब हेल्दी होगा। तो सड़कें बंद की गई हैं ताकि लोग चलें, घूमें, नाचें, कूदें, गाएं। और रोटरी क्लब और बोकारो मिड टाइम कपल्स की अध्यक्ष डॉक्टर शुभ्रा गौतम सबसे यही आग्रह कहती है कि आप आइए, हमारे स्टॉल पे खाइए, गाना गाइए और पौधे फ्री लेके जाइए, घर में उगाइए और इन्वायरमेंट को भी हैप्पी बनाइए। थैंक यू सो मच। सेल के इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे? सेल का इनिशिएटिव के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आगे भी वो हमें ऐसा मौका प्रदान करें कि हम लोग ये सब कर सकें। और रोटरी क्लब बोकारो मिड टाउन कपल्स अपने लिए एक परमानेंट जगह की गुजारिश करेगा आपके बोकारो अपडेट्स के माध्यम से कि हमें मिले एक जगह ताकि हम बोकारो को हमेशा हैप्पी बना सकें। थैंक यू सो मच। कहेंगे कि यह प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार, लोग संडे को क्या है कि सोने में बिताते थे, आज यह बहुत शुभ अवसर है जिससे संडे को हम लोग फन डे मनाएं और साथ में खुश और बहुत आदमियों से मिलना जुलना और हैप्पीनेस मेन मकसद है, लोग हैप्पी रहे और साथ में यह प्रोग्राम हर संडे को हो और हर स्ट्रीट ऐसा स्ट्रीट हो जाए। यह एक पहल है जो कि सेल के द्वारा है, आज हमारे विद्यालय भी आए हैं, सभी लोग आए हैं, इवनली पूरा बोकारो लग रहा है कि उठ के आया है, जो कि पहले अमूमन संडे को स्ट्रीटें शांत रहा करती थी और ये अब स्ट्रीट गुंजायमान है, हम सभी बाहर हैं, हेल्दी हैं। सर, ये कॉन्सेप्ट था कि लोग अपना हुनर दिखा सके इस कैनवास पर, हमने ये सुबह सादा कैनवास लगाया था, अभी आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे रंग भरे हैं, बोकारो के हर रंग, हर जाति, हर व्यवस्था यहाँ आपको दिख रही होगी, सबने अपना दिल खोलकर यहाँ पर वे कलर किया है, यही कॉन्सेप्ट था सर। प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? हैप्पी स्ट्रीट, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है BSL के द्वारा, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है और उनका कहना है कि यह हर संडे रहने वाला है, तो अगर ऐसा रहा तो बोकारो वासी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करेंगे, उनकी सुबह बहुत अच्छी बीतेगी।
ये एक शानदार कार्यक्रम का शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस तरह का कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी सेल बोकारो प्रबंधन के माध्यम से बोकारो में होने की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हेल्दी, हैप्पी और एक तरह से सोचिए कि शहर को आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी कुछ भी काम किया जाएगा हम लोग करेंगे। दरअसल बात यह है कि हम लोग पूरे कंट्री में ये पहला शहर है जिसको कि ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का समर्थित कार्यक्रम जो है उसमें पहला शहर और एकमात्र शहर होने का एक ये मिला है, एक स्टेटस मिला है, जो बहुत गौरव की बात है सारे नागरिकों के लिए, हम सबों के लिए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग खेलकूद की विभिन्न गतिविधियाँ करते आ रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने साइकिल रैली, योगा करवाए थे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड बस मेरा एक ही थॉट है कि दिस हैज़ टू बी सस्टेन्ड। इसको सभी बोकारो वासियों को मिल करके, जैसे पहले में इनिशिएटिव बीएसएल ने किया है, बट उसके बाद सभी को इनिशिएटिव लेकर के और आगे वीक ऑन वीक बेसिस, संडे ऑन संडे बेसिस इट हैज़ टू बी डन, देन इट विल मेक सेंस। जो रियल हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा सस्टेनेबिलिटी से बढ़ेगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी अपील सभी बोकारो वासियों से है कि एवरी संडे दे शुड कम एंड दे शुड सेलिब्रेट दिस हैप्पी स्ट्रीट। दिस इज व्हाट आई कैन से। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, थम्स अप, वेरी गुड। गौरव, ये जो बिल है उसका, वाह, जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ भैया, थोड़ी कमाई और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो जो तू ये दिन रात बाइक पे भटकते रहता है उसी से पैसे कमा ले। रैपिडो कैप्टन बने, जब वक्त मिले बाइक चलाए और दिन के 1,500 तक कमाए, ऊपर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बोनस भी। डाउनलोड करें रैपिडो कैप्टन ऐप और आज ही ज्वाइन करें, वो भी फ्री।